पाकिस्तान के हुक्मरानों से यह कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो बाहर लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग है ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। क्यों? तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया। अच्छा। क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही दो रीजन हो सकते हैं। अच्छा। और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। आपको इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं। तो वहाँ से आएंगे फिर वहाँ पे केसेस आएंगे, हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है, जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ करो फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। मे बी कोई उन पर उनको प्रेशराइज किया गया हो। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी, फारूक अब्दुल्ला इन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को दे दिया चेतावनी कि आप लोगों को, अगर पाकिस्तानियों को भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं तो आप लोगों को ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, घुसपैठ है, मुजाहिदीन भेजते रहते हैं, टेररिस्ट के अटैक होते रहते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को बंद करने होंगे। और सबसे अहम बात, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ना तो कभी था, ना है और ना ही बनेगा। इनके ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के अंदर मच गया है हड़कंप और पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला है ये जो भारत के अंदर इतने ज़्यादा फेमस हैं और इनकी बात बहुत अच्छे से सुनी जाती है तो पाकिस्तान के लोग तो जलेंगे जलेंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो देखते हैं। मुझे लगता है या तो उनके बयान बदलने के पीछे कोई खास रीज़न हो सकता है, बेसिकली ये या तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया। क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही दो रीज़न हो सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर के अंदर कर्फ्यू भी लगा हुआ था, कश्मीर के अंदर इंटरनेट भी बंद किया गया था। वो वहाँ पर सेपरेटिस्ट एक जमात थी जो वहाँ के लोगों को नहीं बसने देती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें हमारे देश की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हम अपने देश के खिलाफ क्यों नारा लगाएं, हमें तो हमारी मट्टी अजीज़ है, वो ये कह रहे हैं। उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ की आवाम मानती है ये सब चीज़, वहाँ आवाम इंडिया के झंडे लहरा रही है। जो पता क्या बात होती है, वहाँ की बेशतर आवाम को भी उन्होंने खरीदा हुआ है, लाइक कि अपने बंदों को आगे खड़ा कर दो और झंडे लहरा दो, इसका मतलब यह कि आपकी गवर्नमेंट हो गई। ऐसा नहीं है, पिछले दिनों जब वो नारा लगाती है ना कश्मीर की आवाम, तब वो यही लगाती है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब भी उन पर जुल्म होता है या कुछ भी होता है, बेसिकली बहुत सी कंट्रीज़ भी आवाज़ नहीं उठाती इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि वहाँ की रहने वाली आवाम, मुकामी आवाम ऐसा नहीं चाहती कि वो इंडिया के सपोर्ट में जाए, लेकिन ये वहाँ के जो सियासी बयानात होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं वो खुद ऐसा दिखाते हैं कि हम सिर्फ उतना दिखाएं जितना हमारे मुताबिक हो। आपको पता है रिसेंटली 15 अगस्त गुजरा है और आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत के अंदर मनाया जाता है। कश्मीर के अंदर एक लाल चौक है, ठीक है, घंटाघर है, घंटाघर, वहाँ पर तमाम के तमाम जो सिविलियंस हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इंडिया का झंडा लहरा दिया। वहाँ के सिविलियंस ने? अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं ही नज़र आ रही हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उनसे कहलवाया जा रहा है जो वो ये सब कह रहे हैं। आपके मुताबिक कश्मीर का क्या क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या है? मेरे मुताबिक तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद ज़ुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं।
कैसी जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? मतलब इतनी वो नहीं है कि हम पे इतनी पाबंदियाँ लगाई हूँ गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई होंगी अपनी वहाँ पर। आटा जो है वो 15 से 20 रुपए किलो है वहाँ की। बात करें तो फिर तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है उस चीज को लेकर तो कोई। पर मस्जिदें भी हैं इंडिया में, इंडिया कश्मीर में मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। आप अगर LOC वाली साइड पे जाते हो ना, कश्मीर वाली साइड पे, जहाँ यहाँ सामने इंडियन कश्मीर नजर आता है और यहाँ हमारा कश्मीर है, तो वहाँ पर आपको क्लियरली इतने बड़े बड़े स्पीकर्स मिलेंगे जहाँ पर आपको आजानों की आवाज़ क्लियरली आती है। यहाँ पर भी फिर मंदिर है, बात तो फिर ये भी हो सकती है कि यहाँ पर कौन से मंदिर नहीं है, मंदिर तो फिर यहाँ पर भी हैं। अब इतना नहीं मुझे पता कितने हैं, लेकिन हैं, कराची वाली साइड पर भी हैं, हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है। तो गुरुद्वारे की बात आप करें तो यहाँ ननकाना वगैरह में भी आप देखें लोग आते हैं ना वहाँ के, यहाँ पर फिरते हैं, विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वो तो चीज़ हर जगह होती है, वो तो विजिटर्स होते हैं ना, मैं तो सिटीजन्स की बात कर रही हूँ। तो सिटीजन यहाँ पर भी होंगे, आप चले जाएं जगह जगह शॉप्स देख लें आप, less than 2% माइनॉरिटीज़ सिखों की देख लें, शॉप्स खुली होती हैं, मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर लिखा होता है बकायदा उनके नाम से, पता चलता है कि वो सब वहाँ मुसलमान नहीं करते, मतलब मुसलमानों के नाम से वहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है या उनको किसी भी जॉब पे नहीं रखा जाता। हो सकता है वहाँ पर हो, अब ये पता है, अब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता ना कि जान है। अगर ऐसा वहाँ पर है और वहाँ की अवाम होश है, फिर तो कुछ कहना नहीं चाहिए, फिर वो अपनी गवर्नमेंट के साथ है, फिर कसूर तो हमारे पाकिस्तानियों का हुआ। क्या कसूर? यही कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें इस सिचुएशन में डाला हुआ है कि कोई भी हमारी मुल्क का हिस्सा नहीं बनना चाहता बेसिकली। मैं फिर ये कह, हमारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बिकॉज उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उनको दाल रोटी नहीं मिल रही, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें अलग करो। देखो अब ये कितनी बड़ी बात है जो वो बोल रहे हैं। ऐसा ही है, जब मुल्क के हालात ऐसे होंगे तो फिर यही होगा, आवाम कहाँ से खुश होगी, आवाम ने तो यही कहना है कि भाई मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती, हमें अलग कर दो और क्या है। आपको पता है रिसेंटली एक वीडियो आई थी, वो जो कश्मीर इंडिया के पास है वहाँ के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखे, उन्होंने हमारा जो अलग, हमारा जो अटूट अंग वो बोलते हैं कश्मीर को, हमारा जो टूटा हुआ हिस्सा उनके पास है, उन्होंने उसका हाल क्या किया हुआ है, ये वहाँ से हमारे लिए पैगाम आया था कि उनके टूटे हुए हाल का। हाँ वैसे ये बात तो है, इस चीज़ के बारे में तो मैं भी एग्री करूँगी कि वाकई जो हमारे पास कश्मीर मौजूद है इन्होंने उसका भी हाल बुरा किया हुआ है। क्या हुआ है? मतलब ये है कि जितनी महंगाई यहाँ है उससे डबल वहाँ पर होगी। आप खुद विजिट करने के लिए चले, दो दफ़ा प्रोग्राम्स करके आई हूँ, कश्मीर कवर करके आई हूँ, बहुत इन्फ्लेशन रेट है। और आप मरी चले जाएं, मरी में जाएं, आपको वो हलवा पूरी देंगे, कहेंगे चने के लिए अलादा पैसे दें। हमारे से इतनी बार ये सीन हुआ ना, हम हंसते हैं, हमारे लाहौर में ऐसा नहीं होता। यानी कि आपने खुद इतनी महंगाई, एक तो गवर्नमेंट ऊपर से कह लेंगे, आवाम भी कम नहीं है, हाली गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, आवाम खुद भी कहती है कि चलो 100 की चीज़ 200 में भेज दो, यही चल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप कह रही है पाकिस्तान कौन, पाकिस्तान हम भारत का हिस्सा है, तो हम जो हमेशा यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़े होकर कश्मीर पर तकरीर करते हैं, अब हम क्या करेंगे? वो हमारे हालात देखकर ये कह रही है, हमें चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, गवर्नमेंट को चाहिए वो बेहतर करे, ताकि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम इनका हिस्सा नहीं है, वही ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, वो ये कहेंगे। हो सकता है अगर हालात बेहतर हों तो हो भी सकता है, पॉजिटिविटी आ भी सकती है। पॉजिटिविटी आ सकती आ सकती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। नहीं, पाकिस्तानी तो बहुत अमन पसंद मुल्क है, बस थोड़ी बहुत बाहर से जमहूरी घूमते हैं जो इनके अंदर मतलब यहाँ का अमन पसंद नहीं करती, इसलिए हमें चाहिए कि सब यकजात होकर बैठें और यहाँ पे हम उनके लिए कुछ कर सकें, कश्मीरियों के लिए, जो कि हम बाहर के जो इंटरनेशनल कुफ्ते हैं वो कुछ करने नहीं देती, इसलिए हम तो हमारी वेल विशेज भी उनके साथ हैं, दुआएं भी उनके साथ हैं कि उनके लिए अल्लाह आसानी करे, और हम कह सकते हैं कि हम कुछ मिल बैठ के इनके लिए कुछ कर सकें। हम ऐसा क्या कश्मीर के लिए करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया जोर लगा रही है कि पाकिस्तान कर ना ले कहीं? हम कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो बाहर लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है, हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं दुनिया नहीं मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना जो इंडियन के साथ मिले हुए, वो हमें करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? इस वक्त
अरब कंट्रीज को देख लें, मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। वहाँ की खुद पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रही, ये वहाँ की जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी पाकिस्तान के नारे लगाया करते थे, ये उनका अपना बयान है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही इंटरनेशनल जो अगर अमेरिका हमारा साथ दे या जैसे कि मतलब यूके हमारा साथ दे तो हम उनके लिए वहाँ पे बैठ के अगर वो हमारे साथ बातचीत करें तो हम इनके लिए कश्मीरियों के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो उनके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, उनके लिए उनको वहाँ से आज़ाद करवा सकते हैं, उनको वहाँ से उस मुश्किल से निकाल सकते हैं जो कि हम यहाँ बैठ के लिए उनके लिए दर्द फील करते हैं ना, उनको वो समझ नहीं लगती। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हम उन लोगों के साथ मतलब ज़बरदस्ती मतलब बनाए हुए हैं एक तो ये। हालांकि पाकिस्तानी ऐसा है, पाकिस्तान बहुत अमन पसंद मुल्क है, वो तो लोग हम तो लोग चाहते हैं कि ये भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा बने और हमारे साथ मिल बैठ के जैसे हम आज़ाद फिर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं पी रहे हैं, वो भी इसी तरह फिर रहे हैं। वो तो एक जेल में बंद सूरत में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम यहाँ बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, दुनिया की ज़बरदस्त सड़कें कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, दुनिया की ज़बरदस्त तालीम कश्मीर के अंदर मौजूद है, दुनिया के ज़बरदस्त अस्पताल कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट भी की जा रही है। वो कहते हैं ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो हमें भारत से नहीं मिल रही जिसके दावे पाकिस्तान करता है। वो कहते हैं हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी क्यों करें। ये बात सारी गलत है सरासर, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, आप जाके खुद अपनी आंखों से देखें। उनमें डेवलपमेंट तो बहुत है, 100% बहुत है। लेकिन वो किसकी अंडर है ये भी तो देखिए ना, किसके अंडर है? इंडियन के अंडर है, उन्होंने इंडियन फोर्स का राज है। फोर्सेस तो दोनों जगह है, फोर्सेस तो दोनों जगह, फोर्सेस के अलावा मैं तो डेवलपमेंट पर बात कर रही थी। डेवलपमेंट देखिए, उन लोगों ने आर्टिकल 370 जो वहाँ लगाया हुआ था 2019 में मोदी सरकार ने हटा दिया, और उस आर्टिकल को हटाने का मतलब ये था कि कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बनाया जाए, उन्होंने बना लिया। वो बात तो आपकी ठीक है, यही तो वो चाहते हैं कि सारा कुछ इंडिया के अंडर में ही आ जाए। लेकिन हम वहाँ भाई जाके हम जब खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, जाके देखते हैं, तो वो यहाँ बैठ के बताने से वहाँ जाके देखने में बड़ा फ़र्क है। आपने देखा? मैंने देखा तो नहीं, बहरहाल दिल करता है कि हम वहाँ जाके जाएं, अपने बहन भाइयों को वो हम भी उन जैसा दर्द और दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं कि उनको समझ सकें, सुन सकें उनकी बातें, और जो फिर हम मीडिया के थ्रू उनमें फैला सकें। अच्छा, ये हमारा ही मीडिया क्यों दिखाता है कि वहाँ कश्मीर के अंदर पथराव हो रहा है? 1980s की क्यों वीडियोज हम लोग अभी भी अपने मीडिया पर डिस्प्ले करते हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखते हैं, पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं कर रही, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो वो दिखाते हैं कि वहाँ पर आज इस नए कॉलेज की इनॉग्रेशन हुई है, आज यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाया है, वो वहाँ के डेवलपमेंट की खबरें दिखा रहे हैं। फेक, ये सारा कुछ फेक है, सारा कुछ। अच्छा, यानी हमारा मीडिया सच्चा है? हाँ, हमारा, हम पाकिस्तानी सच्चे हैं, हर दिल से हर दूसरों के लिए साहस हमदर्दी रखते हैं। हम अपने सिटीजन्स के लिए हमदर्दी क्यों नहीं रखते हैं? रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन हमें अंदर से ना लोग तोड़ने वाले, हम नेगेटिविटी फैलाने वाले, तनकीद करने, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं। कश्मीर तो करने नहीं देते कुछ। अच्छा, आप अगर आपके पास नेट हो आप खुद सर्च कीजिएगा, आज घर जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि कश्मीर के अंदर कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। मेरा ख्याल है उतने पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे जितने अकेले वहाँ कश्मीर के अंदर हैं। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे सिंध के अंदर क्या हो रहा है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, हम वहाँ का पॉइंट क्यों नहीं रेज करते? वाई ऑलवेज कश्मीर, वाई? पता क्या बात है, मैं वही बात कहने लगी हूँ कि यहाँ पे कुछ ये पाकिस्तान ये भी अब डिवाइड हो चुका है, ये कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी हर कोई कहता है कि मेरी पॉलिटिशियन हो, मेरी हुकूमत हो, मेरे अंडर हो, जो यहाँ पे आता है वो कहता है मैं ही बदमाश हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए वो किसी एक बंदे को मुखलिस रह के करने नहीं देते कुछ भी। यहाँ का ये मसला है, यहाँ का ये मसला, यहाँ करना चाहते हैं लोग बहुत कुछ अपने थ्रू पर भी, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, लेकिन कोई करने नहीं देता। अब हम अक्वामे मुत्तहिदा में जाकर क्या कहेंगे? कश्मीर की अपनी पॉलिटिक्स ने कह दिया है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान बन ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर पर 30 सालों से अटैक करवा रहा है, ये वहाँ की अपनी पॉलिटिक्स ने कहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर वहाँ पे जाके हम उन लोगों की राय लें ना, अपनी राय देने की बजाय उन लोगों से, उनसे वो क्या चाहते हैं,
वो अपने लिए क्या चाहते हैं और क्या किसके साथ मिलके काम किसके साथ मिलके रहना चाहते हैं, किसके साथ कंट्री बनाना चाहते हैं, तो फिर हम ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इंडिया का झंडा क्यों लहराते हैं वो आगे से, वहाँ पे वो उनके अंडर आगे में अंडर प्रेशर में है वो बेचारे, वो वहाँ पे एक किस्म की जेलों की सूरत में अंदर रह रहे घरों में, वो तो अपने लिए वो आजाद है वहाँ पर, बड़ी एम्पावरमेंट है। देखें आप, बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ हो चुकी है ना, लेकिन हम वहाँ पे जाके जब देखे ना, जब वहाँ के मीडिया आप लोग वहाँ जाएं जाके उन लोगों को देखें, उन लोगों की वीडियो वहाँ के लोगों से बात की है ना, तो फिर आप मेरे से बेहतर, आप ज्यादा उनको बेहतर। जो मुसलमान है वो वहाँ के नारे लगा रहे हैं, मेरे चैनल पर तो पॉडकास्ट भी पड़े हुए हैं उनके, वहाँ के लोग वो लगा रहे हैं कि हम इंडियंस के साथ काम करना चाहते हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम इंडिया का ही हिस्सा, इंडिया के हिस्सा, वो मे भी के वो पता नहीं वहाँ के हैं भी के नहीं, वही कही है वही कही है ऑफिशियल वहाँ के जर्नलिस्ट है, आम लोग भी हैं वहाँ की क्या कहती है, मेजोरिटी की राय भी तो ले ना। अच्छा, मेजोरिटी की राय ले। हाँ, मेजोरिटी क्या कहती है, आप उनको, आप एक सर्वे अगर वहाँ पे जाके करती हैं तो वो उनसे उनका ओपिनियन ले, उनके ये ऐसे है ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। सर्वे जब मैं करूँगी तब आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन हमें अपने कश्मीर पर भी काम करना चाहिए ना, हम सरहद पार की बात करते हैं, हमारा अपना कश्मीर हमसे खुश नहीं है, लड़ लड़ के पुलिस की गाड़ियाँ जला कर तो मैं कभी भी अमन नहीं हो सकता वहाँ पे, जो मतलब वहाँ पे कूदते रहती है ना पठान लोग, वो कभी भी अमन, अगर ये लोग अगर अमन पसंद हो जाए ना तो दुनिया में यहाँ पाकिस्तान में युद्ध दंगे फसाद ना हो। अब पाकिस्तानी कश्मीरी भी गलत है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी कश्मीरी सही है, वो कहते वो हमसे वो बगावत करें, बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें बताना नहीं आता किसी को बहुत अच्छे हम किसी को बता नहीं सकते ना कि हम कितने अच्छे। वेरी गुड। आपको नहीं लगता हमारे कश्मीर के अंदर भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे जो कश्मीरी हैं वो तरक्की डिजर्व करते हैं? होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने इन लेडीज़ की बात तो सुन ली होगी। इन लेडीज़ के हिसाब से भारत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट आज तक हुई नहीं है, और जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं उनको बहुत मोटा पैसा दिया गया है, कश्मीरियों को दबा के रखा जा रहा है, कश्मीरियों के जो वीडियो बनाई जाती है उनके सर पर बंदूक रखी जाती है कि अब तुम्हें ये चीज़ें बोलनी है, तुम्हें दिखाना है कि हम कश्मीर के अंदर कितने ज़्यादा खुश हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं। और जो लाल चौक पर झंडा फहराया गया 15 अगस्त वाले दिन, 26 जनवरी वाले दिन, वो जो है डंके की चोट पर कह रहा हूँ, उसकी बंदूक की नोक पे, यानी कि सॉरी बंदूक कह रहा हूँ, बंदूक की नोक पे रख के वो झंडा फहराया गया और वो वीडियो पूरे दुनिया में वायरल की गई। ये पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से है, और पाकिस्तान के जो लोग ये मानते हैं कि जो भारत में मुसलमान है बहुत ज़्यादा तशद्दुद में है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार में जी रहे हैं, अपने बंद घरों में रह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, जिन लोगों को लगता है ऐसा सच में हो रहा है, और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में रहो, दीन के नाम लो यार, तुम वहाँ पर ज़्यादा सेफ फील करोगे। जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। तुम सही बताऊँ, देखो यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है, कोई जंग नहीं चल रही है, कुछ नहीं, वॉर नहीं छिड़ी है, फिलिस्तीन में तो वॉर चल रही है, वहाँ पर मुसलमान कितने ज़्यादा मर रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। आप लोगों ने अभी तक फिलिस्तीन वालों के लिए ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया कि आ जाओ हमारे यहाँ पर, अपनी जान बचा लो, हम आपकी रक्षा करेंगे। या फिर कितने ही पाकिस्तानी फिलिस्तीन में जाके पहुँच गए, डंकियाँ मार के तुम लोग US, UK, कनाडा वगैरह तो पहुँच जाओगे, फिलिस्तीन क्यों नहीं जा रहे भाई? मुंह की हद तक, बात की हद तक है सिर्फ और सिर्फ तुम लोग, इसके अलावा नथिंग एल्स, तुम लोग एक नंबर के जाहिल लोग हो, इस बात में कोई शक नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग इन जैसे चमन लोगों को क्या कहना चाहते हैं यार, कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट आपके लिए एकदम खुला हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।